तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग एक बहुत ही बढ़िया एंड बजट फ्रेंडली लैपटॉप जो कि है एचपी की तरफ से आने वाला ये एचपी विक्टस। फटाफट से इसको खोलते हैं, देखते हैं भाई बॉक्स के अंदर हमें क्या मसाला मिलता है। तो जैसे ही यहाँ पे बॉक्स खोलते हो, बॉक्स के अंदर मेन आपको ये वाला डिब्बा एक मिलता है, ये है हमारा चार्जर 150 वाट का। ये आपको चार्जर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरीके से छोटा सा, एंड ये पावर केबल आपको मिल जाते हैं, एंड ये है हाँ ये आपको यूजर मैनुअल वगैरह मिलता है, और ये है हमारा यहाँ पे मेन प्रोडक्ट, यही है एचपी विक्टस। तो दोस्तों अगर हम डिजाइन के बारे में बात करें तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको पूरा डिजाइन दिखाई दे रहा होगा, एक सिंपल मिनिमलिस्टिक पूरा डिजाइन है। एंड ये डिजाइन मुझे एक ऐसा लगा कि भाई आप एज अ गेमर हो गए भी इसको यूज कर सकते हो, और एक ऑफिस वर्क आप करते हो तो भी आप इसको यूज कर सकते हो, दोनों के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल मुझे लगा। पे विक्टस का एक छोटा सा लोगो दिखाई देगा, एंड सामने देखोगे तो ये आपको ये आपको वी दिखाई दे रहा होगा, ये वी रिप्रेजेंट करता है एज अ विक्टस करके, और ये पूरा इस तरीके से मिरर जैसा है, मतलब देख सकते हो चांद दिखाई दे रहा है भाई, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे आपको दो स्पीकर मिलते हैं, एक यहाँ पे है दूसरा स्पीकर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। एंड उसके साथ पीछे देखोगे तो पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक दो फैंस आपको मिलते हैं, एक यहाँ पे दूसरा फैन यहाँ पे है, तो यहाँ से पूरा का पूरा इनलेट हो जाता है, एयर काफी अच्छे तरीके से सक कर लेता है। और ये देख सकते हो आपको ये पूरा रबर पैड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे ही टेबल के ऊपर रखते हो अच्छा खासा जो है टेबल से ऊपर आ जाता है, तो मस्त से जो है कूलिंग वगैरह हो जाता है। अभी बात करते हैं भाई बिल्ड के बारे में, कितना ये स्ट्रांग है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऊपर तो आपको डेफिनेटली वॉबल दिखाई दे रहा होगा, पूरी जो बॉडी है वो फाइबर के साथ बनाई गई है, पीछे का भाई बहुत ज्यादा हार्ड है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दिया। अंदर जैसे खोलोगे भाई साहब ये पूरा काफी ज्यादा हार्ड है, मस्त है, मुझे बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया लगी। 200 पोर्ट्स के बारे में बात करें तो आपको अच्छे खासे पोर्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, लेफ्ट साइड में यहाँ पे दो आपको यूएसबी टाइप ए के जो है 5 Gbps का मतलब ये पोर्ट मिल जाते हैं, आपको एक पावर जैक का पोर्ट मिलेगा, RJ45 का मिलेगा, ये HDMI 2.1 है, एंड ये यूएसबी टाइप ए का जो है वही सेम आपको पोर्ट मिल जाता है, ये टाइप सी का पोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको एसडी कार्ड स्लॉट मिल जाता है, तो ये काफी अच्छा है, अगर आप क्रिएटर वगैरह हो तो ये एक नंबर हो सकता है। उसके साथ दोस्तों अभी बात करते हैं हिंजेस के बारे में, एक हाथ से जो है लैपटॉप आराम से उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन एक नंबर लगा मुझे, एंड हिंजेस भी काफी ज्यादा सॉलिड लगे मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्रैकिंग साउंड नहीं है, यहाँ पे आपको कट दिखाई दे रहा होगा एक, उसकी वजह से काफी अच्छा लग रहा है, एक स्टर्डी फीलिंग आ रही है, लेकिन वॉबल है भाई थोड़ा कुछ इस तरीके से, पूरा वॉबल है, एंड ऐसे करोगे तो यहाँ पे भी वॉबल आ जाता है। अभी बात करते हैं भाई इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो ये आता है इंटेल i5 12th generation के साथ, 6 कोर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, एंड उसके साथ साथ NVIDIA का GTX 1650 मिलता है, इसमें भी बहुत सारे वेरियंट आते हैं, आपको 3050 तक जो है यहाँ पे वेरिएंट मिलते हैं, लेकिन आपको पैसा उतना ज्यादा पे करना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ 8 GB की रैम आती है, वो आप 32 GB तक बढ़ा सकते हो, मतलब 16 GB के स्लॉट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, आप बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों अभी स्क्रीन के बारे में बात करें तो ये स्क्रीन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही होगी, 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है ये। अभी मैं आपको यहाँ पे कलर दिखा देता हूँ, एक बेसिक कंपेरिजन दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक लैपटॉप है, ये है, ये कौन सा है हमारा लिनोवो लीजन का है जो हमने अनबॉक्स किया था, तो दोनों में मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस दिखा देता हूँ, ये 45% NTSC के जाता है, ये आता है 100% sRGB, दोनों के दोनों फुल ब्राइटनेस के ऊपर है, यहाँ पे देख सकते हो कितना मेजर डिफरेंस आता है। मैं स्टार्ट कर देता हूँ, कलर्स में भी आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस दिखाई देगा, उसके वजह से होता क्या है अगर आप फोटोशॉप वगैरह काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो तो भाई वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे कलर जो है वो इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं मिलते, इवन जो है एडिटिंग वगैरह आप हाई लेवल के ऊपर करते हो तो भाई वहाँ पे दिक्कत आएगी। यहाँ पे देख सकते हो ये 100% sRGB आपको फुल HD एक काफ़ी मस्त जो है कलर्स वगैरह दिखाई देगा, एक्यूरेटली आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, यही एक डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके साथ दोस्तों ये जो है 250 nits ब्राइटनेस के साथ आता है, इंट्रो तो कोई आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप बाहर जाओगे आउटसाइड भाई दिक्कत आती है, नीचे आओगे तो यहाँ पे ये कीबोर्ड मिलता है, कीबोर्ड एक चीज काफी अच्छी है,
ये एक स्पेशियस कीबोर्ड है, अच्छी तरीके से सारे कीज जो है वो मैनेज किया और पूरे के पूरे स्क्वायर शेप में आते हैं। आरजीबी नहीं, एक ही आपको मिलते हैं जो कि ये व्हाइट कलर की बैकलाइट मिलेगी, जो कि इतनी ज्यादा इंटेंस नहीं है ये मुझे लगा, क्योंकि रात में ही अच्छे से देख पाओगे, दिन में आपको ये इतनी ज्यादा फील भी नहीं होगी। उसके साथ यहाँ पे आपको एक ट्रैक पैड मिलता है, इतना बड़ा ट्रैक पैड है, मतलब भाई काफी अच्छे से यूज कर सकते हो। लेकिन भाई उसमें एक दिक्कत भी है, क्योंकि गेम वगैरह खेलते हो तो हम यूज करते हैं यहाँ पे WASD वगैरह, ये सारी चीजें यूज करते हैं। जब भी आप गेम खेलोगे तो आपका ये जो पाम है वो यहाँ पे आ सकता है, तो थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। ट्रैक पैड मल्टी गेस्चर है, अब बहुत सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो और रिस्पॉन्सिव है, ये मुझे चीज अच्छी लगी। और जैसा मैंने पहले बताया, आपको स्पीकर्स वगैरह मिलते हैं दो, तो स्टार्ट करके देखते हैं भाई बीट्स क्या आते हैं। इतना लाउड नहीं है, मतलब फेक एक्सप्रेशंस लग रहे होंगे आपको, लेकिन वो इतना लाउड नहीं है। बीट्स वगैरह प्रॉपर आते हैं, लेकिन वो जो है वो फील नहीं आता, एक सराउंड साउंड जो होता है वो यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगा। उसके साथ यहाँ पे आपको एक वेबकैम मिलता है, 720p का वेबकैम है, इतना ज़्यादा मुझे शार्प नहीं दिखा। नॉइज कैंसलिंग का एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, नॉइज कैंसलिंग मतलब रिडक्शन का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से थोड़ा बहुत जो नॉइज आता है बैकग्राउंड में वो ये क्लियर कर देता है दोस्तों। और एक मस्त सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि है ओमेन गेमिंग हब करके, यहाँ से सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो, इवन जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस भी देख सकते हो। उसके साथ नेटवर्क बूस्टर आता है, परफॉर्मेंस कंट्रोल एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ से जो है फैन की स्पीड वगैरह आप इंक्रीज कर सकते हो आपको जैसा चाहिए वैसा। एंड यहाँ पे देख सकते हो सिस्टम वाइटल्स करके एक ऑप्शन आता है, जितने भी स्टैट्स है पूरे यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, सीपीयू कितना गर्म हो रहा है, क्या कितना कंज्यूम हो रहा है, रैम कितना कंज्यूम हो रहा है वगैरह, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इवन यहाँ पे देखो हर एक कोर का आपको जो है यहाँ पे फ्रिक्वेंसी वगैरह दिखाई दे रही होगी, हर एक कोर का टेम्परेचर कितना है वो दिखाई दे रहा होगा, यूटिलाइजेशन कितना है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, और GPU दिखा रहा है यहाँ पे इनएक्टिव, क्योंकि जो है जैसे ही आप स्टार्ट करते हो गेमिंग वगैरह वो टर्न ऑन हो जाता है। रैम दिख रहे हैं यहाँ पे, नेटवर्क का स्पीड कितना मैक्सिमम है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगी। दोस्तों ये जो डिस्प्ले है 144Hz का डिस्प्ले है, आपको गेमिंग के वक्त काफ़ी मजा आएगा इसमें खेलते वक्त। तो दोस्तों अभी हम खेल रहे हैं यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर, भाई इसका ग्राफिक्स अल्टीमेट है, बट हमने यहां पे सेटिंग रखने की कोशिश की है ग्राफिक्स के ऊपर, आप देख सकते हो, बट एक दिक्कत आ रही है कि ये जो है सेटिंग्स अप्लाई नहीं हो रहे, क्योंकि लैपटॉप उतना ज्यादा कंपैटिबल नहीं है। तो यहां पे आप देख सकते हो थोड़े से जो आपको एजेस वगैरह रिफ्लेक्शन वगैरह दिखता है, बट थोड़ा सा आपको ये ब्लरनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, उतने अच्छे तरीके से आपको डिटेलिंग यहाँ पे नहीं दिखा दे रहे होगे, ग्रेन्स वगैरह थोड़े से आपको दिखाई दे रहे होगे। तो अगर आप ऐसा गेम खेलते हो तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। यहाँ पे FPS देख सकते हो 50 के आसपास आपको यहाँ पे FPS दिखाई दे रहे होगे। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे खेल रहे हैं GTA 5, और सेटिंग वगैरह मैंने नॉर्मल रखी है, आप देख सकते हो यहाँ पे FPS ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे जो है 120, 82, 84 जो है FPS मुझे मिल रहा है। टेम्परेचर भी देख सकते हो आप 74°C के आसपास अभी टेम्परेचर चल रहा है, तो काफ़ी अच्छी खासी जो है गेम GTA 5 तो मस्त तरीके से खेल सकते हो, तो रिफ्लेक्शन वगैरह काफ़ी मस्त तरीके से आ रहा है, तो ओवरऑल गेम की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो GTA 5 वगैरह काफ़ी अच्छी तरीके से क्वालिटी खेल सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे प्राइस के बारे में बात करें तो ये जो है आपको लगभग 62-63,000 के आसपास मिल जाएगा Amazon Flipkart के ऊपर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्टली आप वहां से इसको परचेस कर सकते हो। अभी बात करते हैं मेरे वर्डिक्ट के बारे में। अगर अभी आप कोई भी बिगनिंग कर रहे हो, जैसे कि कोई भी एडिटिंग आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर कोई भी कोडिंग वगैरह स्टार्ट कर रहे हो, तो भाई ये लैपटॉप आपके लिए काफ़ी बेस्ट हो सकता है। नॉर्मल गेमिंग करते हो, स्ट्रीमिंग वगैरह थोड़ी बहुत करते हो, तो भी आपके लिए काफ़ी मस्त हो सकता है। फोटोशॉप एंड एडिटिंग जो है 4K वगैरह एडिटिंग नहीं करते, नॉर्मल एडिटिंग करते हो तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप हायर लेवल के ऊपर एडिटिंग करते हो, 4K में करते हो या फिर फोटोशॉप वगैरह, आपको कलर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिक्वायर है,
तो भाई ये थोड़ा सा वहां पे लैग करता है, उतना अच्छा परफॉर्मेंस ये आपको डिलीवर ना वहां नहीं कर पाएगा। सो होपफुली दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। गाइस वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, जो भी क्यूरियस हो डायरेक्टली आप वहां पे डाल दो, हम जो है आपको उसके आंसर दे देंगे। मिलते हैं अगली बार किसी ने वीडियो के साथ, किसी ने एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।